स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 30 जून 2021 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए, जब आज जून खत्म होने वाला है, आज जो है जून का मंथ खत्म होने वाला है, तो जून के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 जो पूरे मंथ के जो 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आप लोगों को अब मिल जाएगा। ठीक है, 300 एमसीक्यू जून मंथ से, और जो वीकली होगा, टॉपिक वाइज होगा, ये भी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज, ऐसे ही यूजफुल वीडियोज आपको मिलते रहे। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको अपडेट जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज हो रहा है जून का एंड, ठीक है, आज जून का लास्ट डे है। तो जून का लास्ट डे है तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जून से रिलेटेड, ठीक है, 1 जून को कौन सा डे मनाया गया, 2 जून को कौन सा डे मनाया गया, हम लोग फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इसके पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर रिविजन कर लीजिएगा। तो पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को अच्छे से कराया गया है और एक कंपाइलेशन लाया जाएगा जिसमें पूरे मंथ का बेस्ट एमसीक्यू को भी डाल दिया जाएगा। तो आप वहां से भी इसको रिवीजन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे यानी कि विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है 30 जून को, ठीक है, 30 जून को मनाया जाता है विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है जून से रिलेटेड जून मंथ में, तो वो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, उसको रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। 1 जून को कौन सा डे मनाया गया, ग्लोबल पेरेंट्स डे 1 जून को मनाया गया। तो वही 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे उसी दिन मनाया गया। वही है, बात करते हैं 3 जून की, तो 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल, और उसको बोलते हैं विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को कौन सा डे मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को कौन सा डे मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी थीम क्या रही थी, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इसकी थीम रही थी। चलिए वही बात करते हैं 7 जून को कौन सा डे मनाया गया, तो 7 जून को मनाया गया इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वही 8 जून को कौन सा डे मनाया गया, वर्ल्ड ओशियन डे। 9 जून को मनाया गया वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। 10 जून को मनाया गया वर्ल्ड ग्राउंड वाटर अवेयरनेस डे। 12 जून को वर्ल्ड चाइल्ड लेबर अगेंस्ट डे यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, 13 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अगला है 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, ग्लोबल विंड डे और वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यानी कि बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके लिए जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को मनाया जाता है 15 जून। 16 जून उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 जून देखिए आप, व्हाट वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट, मतलब जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, जो सूखा पड़ रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों में, उसके लिए 17 जून को डे चुना गया और उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। चलिए अगला है 18 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। 19 जून को कौन सा डे, वर्ल्ड सिकल से अवेयरनेस डे और वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे। वहीं पर 20 जून को इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे यानी किसी को विश्व शरणार्थी दिवस कहते हैं। 21 जून को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड फादर्स डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड फादर्स डे, ठीक है, तो वर्ल्ड म्यूजिक डे यहाँ वाला। 23 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे एंड इंटरनेशनल विडोज डे। 26 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो जो लोग नशा करते हैं उसके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता था 26 जून को। वहीं पर 29 जून की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये मनाया जाता है 29 जून को। और 30 जून के बारे में हमने अभी बात किया, 30 जून को मनाया जाता है
एस्टेरॉयड डे, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे। तो ये हो गया हमारा जून मंथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उसके उसका रिवीजन हमने कर लिया। आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और एक दो बार देखेंगे तो आपको ये जहन में रहेगा और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर पाएंगे। देखिए अगला है कि वैश्विक शिक्षा ई कॉमर्स 2021, जो वैश्विक शिक्षा ई कॉमर्स के से रिलेटेड जो है वो 2021 वाला उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा वैश्विक शिक्षा ई कॉमर्स 2021 का उद्घाटन किया गया। ई कॉमर्स क्या है, तो आप जो जितने भी अभी देख रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, ठीक है, डिजिटल इंडिया आप सुन रहे होंगे, तो ये जो ई कॉमर्स है, आप शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन, उसमें पेमेंट करते हैं, तो ये जितने भी आप करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं पेमेंट करते हैं तो ये सारे ई कॉमर्स के अंदर आते हैं, ठीक है, सारे ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। और ये जो फ्यूचर है ई कॉमर्स ऑनलाइन डिजिटल का, ये अब हम लोग का फ्यूचर यही है, तो इसका अवेयरनेस, इसका जानकारी, इसकी शिक्षा हमें जो होनी चाहिए। तो ये जो वैश्विक शिक्षा ई कॉमर्स 2021 का उद्घाटन विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा किया गया है, और ये कहाँ के राज्यपाल है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। वहीं आनंदीबेन पटेल बजू भाई वाला कहाँ के राज्यपाल है आपको बताना है, कलराज मिश्र कहाँ के हैं, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में जितने भी स्टेट्स आते हैं वहां के सीएम और कैपिटल गवर्नर के बारे में आपको रिवीजन कराता हूं, जैसे कि कलराज मिश्र राजस्थान का है, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की है, बजू भाई वाला कहाँ के है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी, ये एक बुक अभी लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। द बुक कॉल्ड पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम दिल्ली टू वॉशिंगटन हैज बीन रिटेन बाय कौशिक बसु, हैज बीन रिटेन बाय कौशिक बसु, किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौशिक बसु के द्वारा, ये पॉलिसी मेकर कौशिक बसु के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वहीं बात करते हैं नीना गुप्ता की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है नीना गुप्ता की, सच कहूं तो अवतार सिंह बसिन ने लिखा था, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। वहीं खेमलता वालकू की अभी अभी एक बुक आई है जिसका नाम है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, कश्मीरी, आपको याद रखना है कश्मीरी सेंचुरी आपको याद रखना है, खेमलता वालकू के द्वारा अभी लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 जो कि पेरिस में भी हो रहा है, ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में दीपिका कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीते, पेरिस में जो विश्व कप हो रहा है ओलंपिक से पहले हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जितने भी पदक लाए जाएंगे इंडिया की ओर से, इंडियन के प्लेयर्स के द्वारा जितने भी पदक लाए जाएंगे, वो कहा जाएगा कि आप जो है ओलंपिक के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि अगले महीने जुलाई में अब आने ही वाला है, ठीक है, तो जुलाई में ओलंपिक होने वाला है कहां पर, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला है। ये 2020 में ही होने वाला था लेकिन 2021 में कोविड-19 के कारण इसे शिफ्ट कर दिया गया था और अभी होने वाला है ये जुलाई में। तो कहा जा रहा है कि ओलंपिक के लिए ये सारे जितने भी खेल हो रहे हैं, आप अगर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इससे ओलंपिक में पदक का आप प्रबल दावेदार हो जाते हैं। तो यहां देखा जा रहा है कि जो इंडिया की बहुत ही दिग्गज तीरंदाज है दीपिका कुमारी, हमें गर्व है दीपिका कुमारी पर, इन्होंने विश्व कप स्टेज थ्री तीरंदाजी में बैक टू बैक तीन गोल्ड मेडल तीरंदाजी में एक ही दिन में लेकर एक इतिहास विश्व कीर्तिमान इन्होंने रच दिया, ठीक है, एक इतिहास बना दिया कि तीन गोल्ड एक ही दिन में तीरंदाजी में लेने वाली ये बनी दीपिका कुमारी, और इंडिया की ओर से तो है ही, तो ये तीन गोल्ड इन्होंने मिला है, ठीक है, बैक टू बैक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो जापान का जो फुकुओका एक सिटी है वहां पर जो ये पुरस्कार दिया जाता है, तो जापान की याद रखना है बस आपको इतना कि जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 के द्वारा जीता गया, तो पी साईनाथ एक पत्रकार हैं और इनके द्वारा जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 जीता गया, ठीक है, इन्होंने जीता। और यहां पर ये जो किस्मित मियू प्रब्दायून, इन्हें कौन से पुरस्कार, इस ये जो ग्रैंड पुरस्कार फुकुआन वाला है, इन्हें किन कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन है आज का है, अगर आप बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल इसके बारे में हम
चर्चा कर देंगे। अगला देखिए, अभी जितने भी जून से रिलेटेड, जून के जितने भी बेस्ट एमसीक्यू होंगे 300, वो हम लोग लेकर आएंगे अपने चैनल पर। अगला क्वेश्चन है कि सी ब्रिज ड्रिल्स, एक युद्ध अभ्यास टाइप से है, ठीक है, नेवल फोर्स के द्वारा, नेवी फोर्स के द्वारा, तो ये किन दो देशों के बीच अभी मिलकर लॉन्च किया गया है सी ब्रिज ड्रिल्स? तो अमेरिका और यूक्रेन देश के द्वारा, अमेरिका और यूक्रेन के द्वारा ये सी ब्रिज ड्रिल्स अभी लॉन्च किया गया है। मतलब ये जो सी में, मतलब समुद्र में ये ड्रिल करेंगे अमेरिका और यूक्रेन के नेवी फोर्स के द्वारा, ये क्या किया जाएगा यहाँ पर, ड्रिल किया, मार्च किया जाएगा, यहाँ एक्सरसाइज किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। तो अमेरिका यूक्रेन ने मिलकर सी ब्रिज ड्रिल्स दो क्या क्या है लॉन्च किया है। वही बात करते हैं टर्की और अजरबैजान की, तो टर्की और अजरबैजान के द्वारा अभी दो, ये दो देश हैं टर्की और अजरबैजान, तो इनके इनके बीच अभी मुस्तफा, याद रखना है मुस्तफा केमल अतातुर्क, ठीक है, ये याद रहेगा, मुस्तफा केमल अतातुर्क एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और तुर्की अजरबैजान के बीच अभी तुर्की की राजधानी, ठीक है, सॉरी अजरबैजान की राजधानी बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में ये मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 का अभ्यास अभी किया जाएगा। और ये दो देश है तुर्की और अजरबैजान के द्वारा, ठीक है, तुर्की और अजरबैजान के द्वारा मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 वाला जो है कहाँ किया जाएगा, तो अजरबैजान के बाकू में, किन दो देशों के बीच किया जाएगा, तो तुर्की और अजरबैजान के बीच। अगला है, और आप इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है, संप्रीति, आपको याद रखना है संप्रीति। जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट होते हैं। वहीं इंडिया और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर किया जाता है, अजय वॉरियर युद्ध एक्सरसाइज होता है। अगला है कि व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय व्हाट्सएप एज द हेड ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया, किसको नियुक्त किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा अपने भुगतान प्रमुख के रूप में भारत में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आप यहां देख रहे होंगे मनीष महात्मे, ये अमेजन के ये क्या एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, और इन्हें ही व्हाट्सएप के द्वारा अभी भुगतान प्रमुख के रूप में इंडिया में इन्हें अभी नियुक्त किया गया है। अभी आया था आईटी लॉ 2021, आप अभी ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल के साथ हमारे जो मिनिस्ट्री है आईटी मिनिस्ट्री, उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा था कुछ प्राइवेसी को लेकर। तो वो जो डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसमें एक आईटी लॉ में कहा गया कि जितने भी आप सोशल मीडिया है तो आपको क्या करना होगा, इंडिया में ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर आपको नियुक्त करना होगा इंडिया का ही। तो देखिए यहां परेश बिलाल आपको नाम दिख रहा होगा, तो परेश बिलाल जो है व्हाट्सएप के द्वारा परेश बिलाल को इंडिया में अपने ग्रीवांस ऑफिसर यानी कि शिकायत अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, ठीक है, परेश बिलाल को। वहीं स्फूर्ति प्रिया किसकी है, तो स्फूर्ति प्रिया जो है ये फेसबुक की ग्रीवांस ऑफिसर है, फेसबुक की ग्रीवांस ऑफिसर इंडिया के लिए, ठीक है, ने अपॉइंट किया था। वहीं जेरमी कैसेल जो हैं ग्रीवांस ऑफिसर हैं किसके, ये ग्रीवांस ऑफिसर हैं इंडिया में ट्विटर के शिकायत अधिकारी जेरमी कैसेल। तो ये बात हो गया शिकायत अधिकारी यानी ग्रीवांस ऑफिसर के बारे में, लेकिन आप यहाँ पर बताएंगे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय व्हाट्सएप एज द हेड ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया, तो ये है मनीष महात्मे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में, ये विशेष निदेशक क्या है और डायरेक्टर क्या है, तो जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का डायरेक्टर, अभी देखे होंगे आपने कि सुबोध कुमार जायसवाल जी को, जो कि अभी सीआईएसएफ के हेड थे, ठीक है, सीआईएसएफ के हेड थे, उससे पहले वो महाराष्ट्र में आईजी भी रह चुके हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। तो ये जो सुबोध कुमार जायसवाल थे इन्हें भी सीबीआई का हेड यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। तो ये स्पेशल डायरेक्टर क्या है, तो जो सीबीआई में डायरेक्टर के बाद जो सेकेंड मोस्ट रैंकिंग या कि सेकेंड मोस्ट सीनियर पोस्ट जो होता है वो होता है स्पेशल डायरेक्टर का। और अभी स्पेशल डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है, प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, प्रवीण सिन्हा को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई के। वही बात करते हैं कि ये राकेश अस्थाना सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है अभी 3 साल से ये पोस्ट क्या था, खाली था, और इस पोस्ट को भरा गया किसके द्वारा, प्रवीण सिन्हा के द्वारा। सुबोध कुमार जायसवाल कौन है, तो ये अभी हमने बताया सीबीआई के डायरेक्टर हैं। वहीं के नटराजन कौन है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के ये डायरेक्टर जनरल हैं, के नटराजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है साल्ट कार्यक्रम, यानी कि साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। तो साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा साल्ट कार्यक्रम। ये साल्ट कार्यक्रम क्या है भैया? ये साल्ट कार्यक्रम जो है सपोर्टिंग, इसका फुल फॉर्म आप फुल फॉर्म से समझ जाएंगे कि सपोर्टिंग आंध्रा, ठीक है, सपोर्टिंग आंध्रा आंध्राज लर्निंग, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो साल्ट कार्यक्रम है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश के जो स्कूल हैं, जो स्कूली शिक्षा है, जो स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, तो उनमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वहां पर क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, उनको फुलफिल करने के लिए एक क्या किया गया है, साल्ट प्रोग्राम, साल्ट कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके हेल्प से? तो विश्व बैंक के हेल्प से, वर्ल्ड बैंक के हेल्प से। और वर्ल्ड बैंक ने साल्ट कार्यक्रम के, साल्ट कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन $250 मिलियन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को दिया है ऋण के रूप में। $250 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को दिया है ये साल्ट कार्यक्रम को लॉन्च करवाने के लिए। साल्ट का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साल्ट यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर पूछे कि आंध्र प्रदेश के अभी सीएम कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बात करें तो बिश्वभूषण हरिचंदन, बिश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश के सीएम आप जानते हैं, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बिहार के नीतीश कुमार, यहाँ की गवर्नर है फागू चौहान। राजस्थान के अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि जो COVID-19 के खिलाफ, ये जो COVID-19, ये COVID-19 महामारी का अभी तक जो प्रकोप है, अभी तक इसका जो भयावह रूप है, अभी हमारे देश में खत्म नहीं हुआ, या यूं कहें कि पूरे विश्व में अभी इसका डर बना हुआ है। अभी एक डेल्टा प्लस वेरिएंट COVID-19 का देखा गया है हमारे इंडिया में। क्या क्या गया है? डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ही खतरनाक ये वेरिएंट है। COVID-19 का वेरिएंट्स क्या होता है, ये इसके बारे में भी हम लोग अपने चैनल पर वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल का जो भी इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि आपको जो कंटेंट, जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है। देखिए COVID-19 के खिलाफ कितने राशि राहत पैकेज की घोषणा निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है अभी इंडिया की, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये निर्मला सीतारमण है, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा COVID-19 के खिलाफ कितने राशि राहत पैकेज की अभी घोषणा की गई है, तो ये है 6,28,993 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। किसके लिए? COVID-19 के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग अभी, उसके खिलाफ, ठीक है, राहत पैकेज की घोषणा की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा, 6,28,993 करोड़। और ये जो रिलीफ पैकेज है, इसमें 17 टाइप के उपायों की बात की गई है कि इतने इतने टाइप पर हम लोग काम करेंगे, जिसमें कि तीन टाइप को क्या किया गया है, तीन टाइप में से कैटेगराइज किया गया। जैसे कि अगर तीन टाइप में कैटेगराइज किया जाए, तो महामारी से आर्थिक राहत, मतलब महामारी से जो पैसे की जो क्षति हुई है, जो लोगों का जॉब चला गया है बहुत सारे, तो ये जो आर्थिक क्षति हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए ये एक उपाय है। इसके अंतर्गत 8 उपाय आएंगे, ये क्या है, इसके कैटेगराइज किया गया है। वहीं दूसरा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को अगर सुदृढ़ किया जाए तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो ये भी उपाय उसके अंतर्गत ही आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना। वहीं विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन देना लोगों को, ठीक है, ये तीन कैटेगरी में उसको सब कैटेगराइज किया गया है। और इसके लिए कितने करोड़ का पैकेज दिया गया है, 6,28,993 करोड़। ये रहा आज यानी कि 30 जून 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियोज को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो भी बताएं, नहीं अच्छा लगता है तो आप बताएं कि कहां गलती हो रही है, ठीक है, तो हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाए जा चुके हैं, बहुत सारे क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे लिए ऐसे ही बनाए रखें, तो अपने चैनल पर मैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट कॉन्टेंट वाला
स्टडी मटेरियल बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें, और इसके लिए इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मिलेंगे कल के यानी कि 1 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के सामने।